Hey guys, welcome to StudyIQ. मैं हूँ प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करेगा, जम्मू कश्मीर के किसानों को इससे कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, और शाहपुर कांडी डैम और वेरियस और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मिलकर ये कैसे रावी नदी का जो पानी है ये इंडिया की तरफ यूटिलाइज करवाएगा। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन StudyIQ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन टू गेट द अलर्ट ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। इसके अलावा आप अगर स्पेसिफिकली मेरी वीडियोस की अलर्ट चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। नाउ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आज के समय जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के किसी भी और रीजन में नहीं हो रही। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक तो है जो जिला टनल और उसके अलावा जेड मोर टनल। ये जो दो सुरंगें हैं ये श्रीनगर को कनेक्ट करेगी विद ले। ऑफ कोर्स यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी फ़ायदा होगा, मगर प्राइमरली इसका बेनिफिशरी होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी मैसिव प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, एक्चुअली इससे ज़्यादा ही खर्च होंगे, मगर इतना तो तय है कि खर्च हो ही जाएंगे और ये कम्प्लीट हो जाएगा 2022-23 के आसपास। फिर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं शाहपुर कांडी डैम, इसमें भी 1,000 करोड़ रुपए लगेंगे। हालांकि ये जो डैम है ये बनेगा पंजाब में रावी नदी पर, इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिशरी होने वाला है जम्मू रीजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर अगर हम आगे जाएं तो एक बहुत ही बड़ी रेलवे लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जम्मू बारामूला लाइन। इस रेलवे लाइन से कश्मीर टू गेट कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया दिसंबर 2021 से रेलवे कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर देगी कश्मीर रीजन को विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा चेनाब ब्रिज, जो दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन जाएगा जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ये इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन फोटो है, और टोटल आप कह सकते हैं कि मार्च 2021 तक 25 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जिनकी टोटल कॉस्ट होगी 25,000 करोड़ रुपए। इसमें कई छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, कई ब्रिज हैं, कई सड़कें हैं, कई छोटी सी और टनल है जहाँ पे हम 300, 500, 600 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। उसको मैंने यहाँ पे काउंट किया नहीं है क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती, मगर ये सब जो डेवलपमेंट्स है इससे हमको ये पता लगता है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़्यादा सीरियस है। रिसेंटली पीयूष गोयल जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर एक ज्यूल है, एक आप कह सकते हैं लिटरली एक गहना है ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे अब आने वाले टाइम में बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक इंडस्ट्रियल पैकेज लेके आएंगे फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो पैकेज है डेफिनेटली काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इस बार के बजट में जम्मू कश्मीर को एलोकेट किए गए हैं 30,500 करोड़ रुपए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है बाय द इकोनॉमिक टाइम्स, इसके कंपैरिजन में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है इसको मिलेंगे लगभग 6,000 करोड़ रुपए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार ये चाहती है कि कश्मीर में सिचुएशन जब भी नॉर्मलाइज हो वहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से कैचअप करे और लोग वापस रोजगार से जुड़े और जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है इसको स्ट्रेंथन करे। नाउ इसी लिस्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रिसेंटली फरवरी 2020 में अनाउंस किया गया है। ये एक मल्टीपर्पज़ मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसकी टोटल कॉस्ट होने वाली है 6,000 करोड़ रुपये। अब ये इनिशियली एलोकेट किए गए हैं, मोस्ट प्रॉबली ये जो अमाउंट है 6,500 करोड़ या इवन 7,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो टोटल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट $1 बिलियन के प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये एक टाइप का डैम होगा, पानी को स्टोर करने का एक पूरा प्रोजेक्ट होगा, और इस स्टोर्ड पानी से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे जो जम्मू कश्मीर का जो कठुआ रीजन है वहाँ पे बिजली प्रोवाइड करेगी। उस सब के अलावा इस प्रोजेक्ट के अंडर हम कोशिश करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो पानी इंडिया को एलोकेट होता है वो प्रॉपरली हम इंडिया में यूटिलाइज करें, वो पाकिस्तान में सरप्लस पानी बन के ना जाए। तो जो ये प्रोजेक्ट है बनेगा कहाँ पे जान लो, ये आप देख पाएंगे, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे दिस इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रीजन है ना यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे आपको जूम इन करके दिख रहा होगा दिस इज रिवर उज, ये एक ट्रिब्यूटरी है रावी नदी की। नाउ अब मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगा, वहाँ पे हम फोकस करेंगे पंजाब और जम्मू कश्मीर रीजन को, इस रीजन को, ठीक है। ये थोड़ा फ्लैट मैप होगा तो थोड़ा माइंड में यहाँ पे बसाना है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है, ठीक है, ये है पंजाब, यहाँ पर
ये ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे लद्दाख। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जा रही है रावी नदी, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर इंडिया से होते हुए ये जाती है पाकिस्तान में। तो रावी नदी के आसपास हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने डैम हम बना सके बनाएं, जिससे जो पानी इंडिया के पास आता है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। इसमें ऑलरेडी आपको पता होगा रंजीत सागर डैम बना हुआ है, शाहपुर कांडी डैम यहाँ पे हम ऑलरेडी बना रहे हैं, अब इसके ऊपर हम उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बनाएंगे। और इतना ही नहीं है, आने वाले टाइम में हम यहाँ पे और जो बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बेस रिवर है उसके पास बनेगा पोंग डैम, फिर अभी माना जा रहा है कि शायद यहाँ पे जो ये रीजन है यहाँ पर भी कुछ डैम बनेंगे, मगर वो अभी अनाउंस किया नहीं है। अभी प्राइमरली ये जो तीन डैम है ये इंडिया की काफ़ी हेल्प करेंगे टू प्रॉपरली यूटिलाइज द वाटर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको पता होगा, इन नदियों का बंटवारा किया गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसमें से रावी, सतलुज और ब्यास जो है वो इंडिया को अवेलेबल है फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो इसलिए आपने मैप पे देखा कि हम रावी, सतलुज और ब्यास पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और देखो आइडिया ये है कि ये पानी हम यूटिलाइज करेंगे इरीगेशन पर्पसेस के लिए। जो जम्मू का ये रीजन है यहाँ पर ये बहुत हद तक फर्टाइल है, यहाँ पर एग्रीकल्चर का काफ़ी स्कोप है, मगर पानी यहाँ पर रेडली अवेलेबल है नहीं। मॉनसून यहाँ पे कभी आता है कभी नहीं आता, तो इसलिए ये जो स्टोर्ड पानी है हम इरिगेशन चैनल के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और माना जा रहा है कि आने वाले 10 साल में ये एरिया जो है जम्मू का ये एक मेजर एग्रीकल्चर हब बन के उभरेगा। नाउ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब तक होगा? देखो मोस्ट प्रॉब्ली इसको बनने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, मे बी इवन 4 ईयर्स, क्योंकि अभी बस इसके लिए पैसा एलोकेट किया गया है, इसकी अभी काफ़ी प्लानिंग होगी, स्पेसिफिक जो एरिया है जहाँ पे इसको बनाया जाएगा इस पर ये कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं कहूँगा ये शुरुआत इसकी हो चुकी है, बनना तो इसको है, बट इसकी डेडलाइन अभी कुछ टाइम बाद अनाउंस करेंगे। बट ये जो प्रोजेक्ट है दिस विल प्रीटी मच ट्रांसफॉर्म द जम्मू रीजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।